ये आज महामांगलिक पंच कल्याण महोत्सव का चौथा दिन है, केवल ज्ञान दिवस। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या होता है यह जानना प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य होता है, क्योंकि केवल ज्ञान के स्वरूप को जाने बिना आत्मा का स्वरूप बोध हो ही नहीं सकता। मिथ्या दर्शन आदि की जो प्रवृत्तियां हैं उनका अंत नहीं हो सकता। तो केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के पहले आज भगवान पार्श्वनाथ का आहार दिवस भी है, उसके बाद ध्यानस्थ होकर ध्यान में बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। दिगंबर मुनिराज जैसे लोक में कोई संत नहीं होते हैं जिनके भीतर भी किसी प्रकार का परिग्रह अर्थात मूर्छा भाव नहीं और बाहर जिन पदार्थों को धन धान्य आदि को परिग्रह कहा जाता है वे भी वहां पीछी और कमंडल के अतिरिक्त नहीं पाए जाते। भगवान तीर्थंकर मुनिराज को तो केवल पीछी ही होती है, सामान्य मुनिराजों की तरह कमंडल नहीं होता, क्योंकि भगवान को निहार नहीं होता, मलमूत्र आदि नहीं होते, इसलिए उसकी शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं होती। केवल बाह्य संयम की रक्षा के लिए जीवों की विराधना ना हो इसलिए पीछी भगवान तीर्थंकर के होती है। महा आंतरिक बलधारी अंतर में जिनको शुद्धोपयोग का और उससे भी अधिक शुद्धात्मा का, शुद्धात्मा कि जो अनादि अनंत अक्षय नित्य आनंद स्वरूप, आनंद जिसके भीतर भरा है, ऐसा शुद्धात्मा मुनिराज से लेकर भगवान सिद्धों तक और भगवान सिद्धों से लेकर संसार के प्रत्येक प्राणी के पास वो शुद्धात्मा विद्यमान है। शुद्ध ही है आत्मा, इसमें तो संदेह की आवश्यकता ही नहीं। शुद्धता वास्तविक है और अशुद्धता कल्पना प्रसूत है। अशुद्धता कल्पना है, कल्पना से पैदा हुई अशुद्धि अथवा वो अशुद्ध कल्पना, उसी को आत्मा की अशुद्धता कहते हैं। बात आत्मा पर ही जाती है, ये अशुद्धता
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि की ये किसने पैदा की, तो क्या उत्तर होगा? क्योंकि संपूर्ण ही विश्व का कोई पदार्थ वो तो हमारी अशुद्धता में शामिल ही नहीं है किसी भी रूप में, क्योंकि वह अशुद्धता का कारण नहीं होता है। जगत का पदार्थ, जगत के जितने पदार्थ हैं उनमें परस्पर एक दूसरे के प्रति कारण कार्य भाव नहीं होता। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कारण हो और फिर उस कारण से किसी दूसरे पदार्थ में कार्य की उत्पत्ति हो, तो फिर आत्मा के पुरुषार्थ की आवश्यकता कहाँ रहती है? इसलिए कारण कार्य, साधक बाधक, इष्ट अनिष्ट आदि लोक में अज्ञानियों की संज्ञाएं हैं। ये ज्ञानियों के शब्दकोश में अशुद्धता और दुख नाम की चीज मिलती नहीं है। अशुद्धता है कहाँ? आत्मा जिस सर्व संपर्क रहित है, स्वपर का विभाग वो तो स्वाभाविक कुदरती है ही। आत्मा न्यारा, चैतन्य स्वरूप चिदात्मा न्यारा, और जगत के पदार्थ वे बिल्कुल भिन्न, ये तो कुदरती व्यवस्था है जड़ चेतन की भी और जड़ जड़ की भी। ऐसी सुंदर जो स्वाधीनता की व्यवस्था है, स्वाधीनता की व्यवस्था में जड़ पदार्थ तो कभी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान का विकार, ज्ञान का दुरुपयोग भी नहीं हो सकता। केवल एक आत्म तत्व है कि जो ज्ञान और सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत शक्तियों का पिंड है। अनंत शक्तियों को एक एक करके आत्मा बना हो ऐसा नहीं है, लेकिन आत्मा एक द्रव्य है, सत्ता है, और उस आत्मा के पास उसके आश्रित अनंत गुण रहते हैं। आश्रित रहते हुए भी आश्रित नहीं हो जाते। इस तरह सारे ही द्रव्यगुण पर्याय की इस जैन दर्शन में निरपेक्ष व्यवस्था है। यदि हम जैसे दो पदार्थ परस्पर किसी भी संबंध वाले न होने के कारण निरपेक्ष होते हैं, उसी तरह एक वस्तु में भी यह निरपेक्षता पूरी पूरी होती है। ये जैन दर्शन का एक निष्पक्ष विभाग है। यदि जगत के पदार्थों में तो परस्पर निरपेक्षता हो और एक आत्मा में जो द्रव्य हैं, अनंत शक्तियां हैं, और अनंत शक्तियों के अनुरूप उसी जाति की जो पर्याय हैं, उन सबके स्वरूप भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे होने के कारण यदि वहां निरपेक्षता न हो तो ये सारा विश्व जैन दर्शन की ओर चिल्लाएगा
कि जगत के पदार्थों में जो भिन्नता है वहां तो निरपेक्षता स्वीकार करते हो, और तुम्हारे भीतर का जब प्रकरण आता है तो तुम्हारा द्रव्य जो है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो पर्याय नहीं है, तीनों के स्वरूप न्यारे न्यारे हैं। फिर यहां ये न्यारे न्यारे सत्य स्वतंत्र हैं, जो द्रव्य है वो कभी गुण नहीं बनता, गुण कभी पर्याय नहीं बनती, इस तरह की निरपेक्षता यहां स्वीकार क्यों नहीं करते हो? अगर यहां स्वीकार नहीं करते हो तो जगत में भी निरपेक्षता स्वीकृत नहीं हो सकती। ये जैन दर्शन का मूल निष्पक्ष तत्व ज्ञान है कि जिसको कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। निरपेक्षता स्वीकार करने के बाद यदि हम सापेक्ष कथन करते हैं या करना पड़ता है किसी अनुरोध से समझने समझाने के लिए, तो उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। लेकिन व्यवहार नहीं के अनुरूप वस्तु हो नहीं जाती। हम समझाते हैं उस बात को, और समझाने का जो तरीका है वह यही होता है कि वस्तु तो अखंड होती है, लेकिन उसको खंडों में अपने कल्पना में अपने ज्ञान में खंडों में बांटकर उसे अखंडता की ओर ले जाने के लिए खंडों का विवेचन समझने के लिए और समझाने के लिए किया जाता है। देखिए, एक बालक है, वो स्कूल जाता है और अभी प्रारंभ ही है, तो उसको ए का अक्षर सिखाया जाता है, ए अथवा अ, ये अक्षर सिखाया जाता है। तो अ का जो अक्षर है वो तो अखंड है, उसमें खंड नहीं होता। तो उसके सामने पूरा अ यदि प्रारंभ में ही लिख दिया जाए और उसे कहा जाए कि तुम इस अक्षर को अपनी कॉपी में लिखो, तो नहीं लिख सकेगा। तब हमें वो अ नाम का अक्षर अखंड होने पर भी उसके साथ अनार और लगाना पड़ता है। अ कौन सा? अनार वाला। एक बात तो ये, क्योंकि वो अनार से परिचित है घर पर। दूसरा ये कि उसी एक अक्षर के कई खंड करके अध्यापक समझाता है। देखो, ये खड़ा डंडा है, ये आड़ी लकीर है, ये तिरछा डंडा, ये आधा चूला है, और ये इधर खड़ा डंडा है। इस तरह तो जो अनाम का अक्षर है वो तो अखंड है, ऐसा कहने से वो उसका कोई चूला अलग हो जाए अथवा डंडा अलग हो जाए, ये कभी संभव नहीं है बात। लेकिन उसे अक्षर की अखंडता समझाने के लिए उसका पूरा स्वरूप उसकी बुद्धि में आवे, इसलिए उसके खंड करना आवश्यक होता है। लेकिन न तो खंड होते हैं और अखंडता का नाश होता नहीं है, और इन खंडों के द्वारा वो अखंड समझ में आ जाता है। यही पद्धति व्यवहार की यहाँ पर जैन दर्शन में है। बहुत बातें हैं, सैकड़ों प्रकार के व्यवहार लोक में और लोकोत्तर जिनवाणी में भी मिलते हैं, अनेक प्रकार के। अभी ये सारा पंचकल्याण है, पंचकल्याण का जितना भी महोत्सव है, ये निश्चय है या व्यवहार है? क्या है ये? भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, गर्भ में आए, आ सकते हैं, और फिर जन्म हुआ, इसके बाद उन्होंने तप धारण किया, तो ये हो सकता है?
जो भगवान सिद्धशिला पर विराजमान हैं, वे भगवान तो यहाँ आते नहीं, और उनके जो पंच कल्याण हैं वे कहे तो जाते हैं, लेकिन वो पंच कल्याण उन जैसी जो चैत्य है प्रतिमा, उस प्रतिमा का होता है, उन भगवान का नहीं होता जो सिद्धशिला पर विराजमान है। वो तो वहां सुस्थित रहते हैं और नित्य आनंद के पिटारे में से आनंद निकाल निकाल कर हर सिद्ध भगवान अनंत काल तक पीते रहते हैं, उसमें छके रहते हैं। वो आनंद आत्मा का होता ही कोई अन्य तरह का है, क्योंकि जैसा बाहर का आनंद है उसको हम स्वयं जानते हैं कि हम उसे आनंद की और सुख की संज्ञा देते हुए भी हम उस आनंद को जीवन भर भोग ही नहीं पाते, कोई भी विषय हो पांच इंद्रियों का, लेकिन उन विषयों में से हम एक विषय का सेवन प्रारंभ करें तो थोड़े समय के बाद कहने लगते हैं अब नहीं चाहिए। तो जिस आनंद से हम अघा जाते हों, और अगर हम और ज्यादा आग्रह करें अपने साथ और ज्यादा खा जाएं, तो फिर वो सारा वमन में बदल जाता है, उल्टी में बदल जाता है। इससे ये बात सिद्ध है कि ये पदार्थ न तो स्वयं आनंदमय हैं और न ये उस मूर्ख आत्मा के लिए, अज्ञानी आत्मा के लिए किसी प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं या प्रकट करते हैं। इसलिए इनका और आत्मा का आनंद आदि के रूप में कोई कारणकारी भाव, कोई कारणकारी का नियम नहीं है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। फिर भी चूंकि आत्मा सदा का भुलाया हुआ है, इसलिए उसको समझने के लिए आचार्य वो ज्ञान वाला है ऐसा पहले समझाएंगे। कौन है आत्मा? तब उसका वास्तविक उत्तर तो यह होता है, आत्मा तो आत्मा है, चेतन है वो, बस इतना उत्तर होता है निश्चय से उसका। लेकिन इतने से उसको कैसे समझ में आएगा जिसको कभी आत्मा का परिचय ही नहीं है? इसीलिए आत्मा का आत्मा ज्ञान वाला होता है, दर्शन वाला होता है, चारित्र वाला होता है। जो अज्ञानी आत्मा होते हैं वे आत्मा को अत्यंत शुद्ध होने पर भी, निरपेक्ष होने पर भी, निरावलंबी होने पर भी, अक्षय और अनंत होने पर भी, और अनंत शक्तिमय होने पर भी प्रथम तो उसकी सत्ता ही स्वीकार नहीं करते, और जिनवाणी के अनुरोध से अगर उसकी सत्ता स्वीकृत भी हो जाती है तो फिर उसका चिंतन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे पूरे आत्मा को एक साथ चाहें तो नहीं मिल सकता। सबसे पहले उस आत्मा का स्वरूप हमारे ज्ञान में प्रतिष्ठित होना चाहिए, तो वह प्रतिष्ठित हो जाए उसका नाम व्यवहार। ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। जो अज्ञानी है आत्मा वो मोही होता है, रागी होता है, द्वेषी होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आत्मा तो मोह राग द्वेष वाला तो है ही नहीं, लेकिन उसके भीतर जो अनंत गुण हैं उनमें से एक एक गुण को हम केवल उसे समझाकर उस पूरे आत्मा तक पहुंचाने के लिए उन गुणों के भेदों का आश्रय लेते हैं, और इसके बाद वह भेद अवस्था समाप्त हो जाती है। समझ लिया? अगर अ का अक्षर पूरी तरह समझ में आ गया तो फिर इसके बाद उसके खंड करने की आवश्यकता नहीं होती। एक मैट्रिक का विद्यार्थी हो और वो भी वर्णमाला पढ़ता है, हिंदी की वर्णमाला, तो वो भी पढ़ता है। अब वो मैट्रिक में जाकर, दसवीं कक्षा में जाकर, वो वहां ये बोलने लगे ए अनार वाला, और एका एक खड़ा डंडा, उसका आधा चूला, उसकी आड़ी लकीर, और उसका फिर आधा चूला,
इस तरह अगर वो वहां बोलने लगे तो वो वहां से निकाल दिया जाएगा। इस तरह ये व्यवहार का जो एक भिन्न भिन्न करके पदार्थ को समझाने का तरीका है उसका नाम व्यवहार नय। जैन दर्शन भरा है ये भी व्यवहार नय के कथनों से, लेकिन उस व्यवहार नय को हम पकड़कर बैठ जाएं तो के टुकड़े ही होकर रह जाएंगे, वो कभी अखंड नहीं होगा। इसी तरह ज्ञान दर्शन आदि के द्वारा उस अखंड आत्मा को, क्योंकि हर बुद्धिमान व्यक्ति किसी वस्तु का अंश नहीं चाहता, उसको पूर्ण चाहता है, ये हरेक का मनोविज्ञान होता है। तो पूर्ण चाहने के लिए जो भेद हमने अपनी कल्पना में अपने ज्ञान के विकल्पों में खड़े किए हैं, उनके द्वारा उस पूर्ण आत्मा को समझकर उन भेदों का गौण करके उनको चुप करके वहां से अपने ज्ञान को हटाकर जब आत्मा अपने उस शुद्ध अस्तित्व वाले अनादि अनंत अस्तित्व वाले तत्व के निकट ले जाता है तो इसी का नाम आत्मानुभूति है। ऐसी आत्मानुभूति भगवान पार्श्वनाथ को पूर्व भवों से ही थी। सम्यक दृष्टि महापुरुष थे, तीर्थंकर थे, और जब वे कल उनका जब मुनि दशा प्रकट हुई, मुनि दशा प्रकट हुई माने असली स्वरूप प्रकट हुआ। जैसा आदमी का जन्म होता है यथा जात मुद्रा कहलाती है, वो जैसे पैदा हुए ठीक वैसे ही। इसलिए मुनिराज को इसके लिए पीछी और कमंडल के अतिरिक्त अन्य कोई किसी प्रकार का परिग्रह या कोई पदार्थ उनके पास होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि उनको आवश्यकता नहीं है और उनको समय भी नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं है। उनको जो शुद्धात्मा सारे विश्व से एक अलग पारमार्थिक तात्विक तत्व मिला है, तो ऐसा जो एक विलक्षण आत्म तत्व जिस जो आनंद का कोश है, कोश आनंद का, और ऐसा आनंद कि जिसमें से वो आनंद झरता ही रहता है लेकिन कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे आनंद के कोश को एक बार देख लेने के बाद और सारी दुनिया से फिर जाने के बाद, सारी दुनिया से इसलिए फिर गए कि वहां उनके साथ हमारा कोई संबंध न तो था न है और न कभी बनेगा, क्योंकि सारे ही जगत के पदार्थों की सत्ताएं और उनकी सीमाएं न्यारी न्यारी हैं, और सीमाएं इतनी वज्र की बनी हुई हैं कि एक पदार्थ अपनी सीमा को लांघकर दूसरे पदार्थ की सीमा में जाता नहीं तो उसका काम कैसे करेगा, कैसे होगा उसका काम। इस तरह एक ही बात में अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मैं करता हूं, मैं अपने घर का संचालक हूं, मैं व्यवसाय का संचालक हूं, अरे मैं जगत का संचालक हूं, मैं पंचकल्याण कराता हूं, हमने पंचकल्याण कराया इत्यादि, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं इत्यादि, जितनी बातें हैं ये सारी बातें व्यवहार नयात्मक होने के कारण श्रद्धेय नहीं होती और ज्ञान का विषय भी एक बार बनकर खत्म हो जाता है। ज्ञान में क्या करें फिर बार बार। जब यह जान लिया जाए कि इनसे संबंध मात्र मेरा नहीं है और मैं इनके पास अनंत बार गया लेकिन मेरी पिपासा एक घूंट भी शांत नहीं हुई, तब इनके और क्यों हो। जब कुदरत की व्यवस्था ऐसी है कि उसका हर जड़ चेतन पदार्थ पूर्ण है तो फिर आत्मा अधूरा क्यों कि वो किसी दूसरे के पास जाए और उनसे वह अपनी अभिलाषाएं पूरा करे, ऐसा आत्मा के लिए क्यों होगा। इसलिए आत्मा भी उस कुदरत का तत्व है, जो कुदरत जड़ चेतनात्मक है उसका तत्व आत्मा है स्वतंत्र, और इतना स्वतंत्र है
कि उसके किसी भी द्रव्य गुण पर्याय में पराधीनता का नाम निशान नहीं है। जो पराधीनता कही जाती है वो पर्याय में केवल कल्पना के कारण उत्पन्न होती है, केवल कल्पना के कारण। इन सारे अज्ञान के प्रसार से जो मुनिराज हैं पार्श्वनाथ, वो बहुत समय से दूर थे और अब तो वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब तो आत्मा पसंद तो आ ही गया था, लेकिन अब दशा ऐसी हो गई है कि वे उसमें से निकलना ही नहीं चाहते, आत्मा में से। इसीलिए मुनिराज को स्वरूप मंथर कहते हैं। स्वरूप मंथर, जैसे एयर कंडीशन्ड में सो रहा आदमी बाहर की धूप में नहीं जाना चाहता, उसी तरह मुनिराज भी अपने उस शुद्ध चैतन्य के तल में जाने के बाद, कि जो तल अतल है और जितनी भी परतें हैं ऊपर ही ऊपर, वो सब ऊपर ही ऊपर हैं। पानी जैसे होता है ना कि अनेक प्रकार की परतें आती हैं, और उन सारी परतों को पहले हमने जाना और इसके बाद उनको निकालते हुए अंत में वह जल आ जाता है कि जो स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है और कभी भी उसका अंत नहीं होता, समाप्ति नहीं होती। इसी तरह आत्म तत्व ऐसा है, ये एक बार यह बात भीतर से मन से हमारी समझ में आकर, बुद्धि में आकर, उसकी ऐसी दृढ़ श्रद्धा, सुमेरु जैसी श्रद्धा जागृत हो, यही भगवान देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है। क्योंकि उन्होंने जो कहा उसको हमने स्वीकार किया। तुम मेरे भरोसे मत रहना, भगवान कहते हैं, मेरे भरोसे रहोगे तो अनंत संसार नहीं मिटने वाला है। संसार अज्ञान दशा में, अविद्या की दशा में स्वयं तुमने पैदा किया है, कल्पना में। आत्मा था शुद्ध, तुमने माना उसको अशुद्ध। अशुद्धता जो ऊपर ही ऊपर आई, उस ऊपर ही ऊपर की काल्पनिक अशुद्धता को वास्तविक मानकर सारे आत्मा को अशुद्ध मानने लग गया, यही सबसे बड़ा भ्रम और मिथ्या दर्शन था, अज्ञान था। ये बोध तो किसी के लिए भी दुर्लभ नहीं है। चारों ही गतियों में ये बोध हो सकता है। और समझाने वाले गुरु, यदि हमारी पात्रता इतनी बढ़ चुकी है, भीतर से इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा अब इस विश्व में मन नहीं लगता, अब विश्व के किसी पदार्थ के प्रति हमारा कोई आकर्षण होता ही नहीं है, क्योंकि सारे पराये हैं। अरे पराये पदार्थों के प्रति जिसके हृदय में आकर्षण है वह तो अपराधी है, और इसलिए सारी जो सजाएं हैं वो उस अपराध की हैं। यदि यह आत्मा को शुद्ध और नित्य आनंदमय मान लेता कि जैसा वो सदा है बराबर, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, ऐसे आत्मा को यदि स्वीकार कर लेता तो यह अवसर आता नहीं जन्म और मरण के अनंत दुख भोगने के। इसलिए भगवान पार्श तो अब उस किनारे आ गए हैं। आज तो वे मुनिराज पार्श्व हैं, और मुनिराज पार्श्व का आज आहार का दिन भी है। आहार का दिन है मैंने क्या, कि जो मुनिराज होते हैं दिगंबर मुनिराज, उनको यदि आहार का विकल्प आता है, विचार आता है, तो वह 24 घंटे में केवल एक बार आता है। उसके बाद, विकल्प आने के बाद आहार मिल जाए तो, आहार अपने योग्य न मिले तो, और अंतराय हो जाए तो मुनिराज बिना आहार के लौट जाते हैं। और लेकिन यहाँ एक बात हमें समझना चाहिए कि हम लोग जितने भी श्रावक हैं, वे तो ये कहते हैं आज महाराज का आहार नहीं हुआ, आज तो उपवास हो गया। सच्चाई यह है कि वे महाराज आहार कर चुके,
अरे एक कौर तो मुंह के भीतर गया नहीं, आर कहाँ हुआ कि वो जो कौर है, जो भोजन का ग्रास है, वो भोजन का ग्रास आत्मा का आर है ही नहीं, वो होता ही नहीं है। मुनिराज की तो ये दृढ़ श्रद्धा है, मुनिराज ही नहीं एक सम्यक दृष्टि पुरुष चतुर्थ गुण स्थान वाला जिसे कहते हैं, जिसे मुनिराज जैसे व्रत भी नहीं होते, जिसे मुनिराज जैसा जितना प्रचुर आनंद भी नहीं होता, आनंद तो होता है लेकिन उतनी प्रचुरता आनंद में नहीं होती, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें वो सम्यक दृष्टि भी सबसे पहले यह मानकर कि जगत का जो भोजन नाम की जो आहार वर्गना है पुद्गल की बनी हुई, ये पुद्गल की बनी हुई आहार वर्गना, इससे मेरा कोई किसी भी तरह का संबंध नहीं है। फिर हम आहार करते हैं, हम भोजन करते हैं, या मुनिराज ने आहार किया, ये बात क्यों कही जाती है कि वो इसलिए कही जाती है इस प्रकार का संयोग बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति इधर से जा रहा हो, एक व्यक्ति उधर से आ रहा हो, दोनों का एक दूसरे से मिलने का विचार ना हो तो भी दोनों बीच में मिल जाते हैं। इस तरह का एक निमित्त नैमित्तिक जिसे हम कहते हैं, ऐसा संबंध बन जाता है। तो मुनिराज आर लेते हैं, आर आज मुनिराज ने छोड़ भी दिया, इस प्रकार की बात की जाती है। ये बहुत जैन दर्शन के मार्मिक तत्व और मार्मिक सिद्धांत हैं। जब तक इस बात को नहीं जाना जाता तब तक श्रावक के व्रत नहीं और मुनि दशा नहीं होती, क्योंकि मुनि दशा तो उस सारे जगत को न्यारा मान लेने पर और केवल एक अपने आत्म तत्व को, आनंदमय आत्म तत्व को ऐसा लगता हो भीतर से, मैं सबके पास गया लेकिन मैं रीता आया, सारे लोक में मैं घूमा, सब पदार्थों के पास गया, भगवान देवशास्त्र गुरु के पास भी गया, भगवान सिद्ध के पास भी गया, लेकिन सबने लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? हम कहते थे भगवान हमें भी कुछ दो ना, आपके पास तो बहुत है, उसमें क्या कमी आ जाने वाली है। तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसी बकवास मत कर, ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर, तू स्वयं परमात्मा है, तेरे पास हमारे जितना ही है, तो तेरा क्या काम आएगा। इसलिए भगवान अगर उसे दे दें तो भगवान अपराधी हैं। और यही कारण है कि अनंत बार भगवान के पास जाकर भी हम रीते रहे, क्योंकि हमने अपनी निधियों को नहीं पहचाना। अरे एक मिथ्या दृष्टि पुरुष होता है, उसको भी अपनी ही निधियों का, निधानों का गर्व होता है, रात और दिन 24 घंटे उसके निधानों का ही। दूसरे जो हैं, अन्य हैं, अन्य के बंगले हैं और अन्य के जो रत्नों के पिटारे हैं, तो भद्र पुरुष यदि हो तो उसका मन ही नहीं चलता है उनकी तरफ, और केवल अपने निधानों में, अपने परिवार में और अपने धन धान्य में, इन्हीं में वो संतुष्ट रहता है। ये तो मिथ्या दृष्टि की बात। वो भी जिसको अपना मानता है उसको 24 घंटे उसी का चिंतन चलता है, किसी दूसरे का चिंतन अगर आ भी जाता है तो बेमन से आता है, किसी दूसरे के संबंध में विचार भी आ जाए तो बेमन से आता है, किसी दूसरे का कार्य करता हुआ दिखाई भी दे तो वहाँ पर अत्यंत भिन्न रहकर वो सब होता है। इसलिए जगत का जो अज्ञानी पुरुष है, यदि उसकी ये स्थिति है, तो सम्यक दृष्टि कि जिसने उस शुद्धात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके और उस शुद्धात्मा का एक बार रसास्वादन किया, तो उसको तो बार बार रसास्वादन होता है, निरंतर ही रसास्वादन कहा है राजमल जी साहब ने। तो बोले सम्यक दृष्टि पुरुष अपने शुद्ध चैतन्य के रसास्वादन से कभी कभी एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रहता, अलग नहीं रहता है, और उसे प्रति समय उसके कारण से निर्जरा होती है। चाहे नरक में हो तो वहां भी निर्जरा होगी, तिरिंच में हो तो वहां भी होगी, शुद्धि की वृद्धि उसी उसी गुणस्थान की कक्षा में होती जाती है। इसलिए ये सारा तत्व ज्ञान संक्षेप में
पहले हमारी समझ में आ जाए तब मुनि दशा अपने आप आती है, क्योंकि एक बार जिस आत्मा का रसास्वादन किया उसका रसास्वादन करने का पुनः पुनः मन होता है, अरे ये मेरा सर्वोत्कृष्ट तत्व और इसके अनंत निदान जो कभी बीते नहीं ऐसे मेरे भीतर भरे हैं। लोग कहते हैं दिखते तो है ही नहीं, कि दिखते इसलिए नहीं है कि वो जब दिखाई देने लगे तो आंख बंद कर लेते हैं। दिखेगा क्या, दिखना है उसका क्या, देखना है। अरे जो आंखों के बिना ही दिखाई दे उसके लिए आंखें क्यों फाड़ना, आंखों को क्यों तकलीफ देना, तो आंखों के बिना ही दिखाई देने वाली वस्तु है। देखें हवा को कोई बता दे, हवा तो पुद्गल है ना, तो बता दे कोई हवा को कि हवा का रंग कैसा है, हवा का तोल कितना है, हवा इत्यादि इत्यादि ये सब बता देगा, आंखों नहीं दिखती है ना। फिर हम उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते। अरे हमारे पेट का दर्द, उसके लिए हम चिल्लाते हैं डॉक्टर के पास जाकर, और डॉक्टर कहता है कहाँ है दर्द, तो हम कहते हैं कि यहाँ है दर्द, यहाँ यहाँ तो पेट है, यहाँ तो दर्द नहीं है। डॉक्टर अगर ऐसा कह दे तो हम क्या कहेंगे उसको, उसको हम उल्लू कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ है दर्द, दर्द तो दिखता ही नहीं है, यहाँ तो तुम्हारा पेट है इसलिए दर्द नहीं है। तब रोगी झल्ला कर कहता है कि कैसा मूर्ख डॉक्टर है, समझता नहीं है कि मुझे तो दर्द की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। तो डॉक्टर कहता है अनुभूति हो रही है तो बताओ वो दर्द किस रंग का है और वो कितना लंबा चौड़ा है और उसका वजन कितना है, ये तो बताओ कम से कम। तो हम डॉक्टर को मूर्ख मानकर किसी विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं। जब हम अपने पेट के दर्द को नहीं बता सकते तो उससे तो सूक्ष्म आत्म तत्व है, तो जैसे पेट का दर्द दिखाई न देने पर भी प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति हमको होती है, उसी तरह आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देने पर भी केवल वो मन का विषय होता है, मन उसके संबंध में विचार करके उसकी सत्ता का निश्चय करता है। और इसके बाद ये परम आनंदमय तत्व है, ज्ञान का घन पिटारा है ऐसा जानकर, और ऐसी ही अनंत शक्तियां इसके पास इसलिए भरी हैं कि इसको अपने अनंत कार्य करने के लिए किसी दूसरे का कभी भी मुखापेक्षी न होना पड़े। इसलिए हर पदार्थ के पास अनंत शक्तियों की आवश्यकता है और वो है अनंत। हम कह सकते हैं 10-20 ही हो तो क्या बात है, 10-20 से तुम्हारा मन भर जाएगा। अरे नोटों के लिए भी कहा जाए कि कितना चाहते हो, कि इतना चाहता हूँ कि गिनने में न आवे, इतना चाहते हैं, तो यहाँ भी इतनी शक्तियां हैं कि गिनने में न आवे, लेकिन है अनंत। ऐसी अनंत शक्तियों का पिटारा, उस पिटारे में आज दीक्षा, कल दीक्षा लेते ही मुनिराज प्रवेश कर गए और उनको आनंद का, आनंद की जो प्रचुरता है उसको वास्तव में नहीं कहा जा सकता। सच्चे मुनि की, भावलिंगी मुनि, मैंने जो आत्मा का अनुभव करके और भीतर वीतराग चारित्र को प्रकट कर चुके हैं तीन कषाय के अभाव पूर्वक, ऐसा करणानुयोग की भाषा में तीन कषाय अनंतान मंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इनके अभाव पूर्वक जो भीतर आनंद का जो धाम है उसका, उसका जो अनेक बार रसास्वादन कर चुके हैं करते हैं, ऐसे सर्व ही मुनिराज होते हैं, सर्व ही मुनिराज ऐसे होते हैं। और जो ऐसे नहीं होते तो उनको हम मुनिराज की कक्षा में लाएं भी कैसे, बिठाएं भी कैसे। जैसे एक विद्यार्थी का मस्तिष्क वो बिल्कुल पागल जैसा है और उसको कक्षा में जा बिठाया तो वो समझता ही नहीं है, चाहे हजार कोशिश टीचर करता है प्रोफेसर करता है लेकिन वो समझता ही नहीं है, तो वो तो उसको कक्षा से बाहर समझता है, कक्षा के भीतर उसे समझता ही नहीं है, बोले ये तो बिल्कुल गधा है, इसको कोई बात समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए वह उसे उपेक्षित कर देता है। इसी तरह यहाँ भी जो जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी उपेक्षा करके, उनके जानने का अर्थ ही है कि हम सब जो श्रुत ज्ञान है हमारा छोटा सा ज्ञान, वह भी
सारे लोकालोक को आगम के आधार पर जानने का पूरा पूरा अधिकारी है, तो जानता है। तो क्या जाना, लेकिन जाना क्या, असली जानना किसको कहते हैं? यही कि जो मेरी सत्ता है और उसमें जो अनंत शक्तियां, अनंत गुण और अनंत निधान, निधान वैभव जो भरा हुआ है, वो तो मेरा है और मेरे से अन्य जितने हैं वो सब उनका है, पराया है। इसलिए हराम है कि मैं आज से उनकी ओर देखूं। इसका नाम जानना। जान लिया ना एक बार, एक बार जानने के बाद कि इसके पास मेरा कुछ नहीं है, मैं इसे कुछ दे नहीं सकूं और दूं भी क्यों, क्योंकि ये भी पूरा है, ये भी पूरा अचेतन परमात्मा है, ये अचेतन ईश्वर है, ये मैं चेतन ईश्वर हूं, ये अचेतन ईश्वर है, और सबके पास परमेश्वरी अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों से भरे हुए जितने भी पदार्थ हैं, तो उनको एक बार जानकर, अत्यंत पराये जानकर, और वो जो ज्ञानी हैं वो अपना मुंह फेर कर केवल एक चैतन्य शेष रहता, अब और कोई शेष नहीं रहता। सारे जगत के पदार्थ गए, सारे जगत के विकार राग द्वेष इत्यादि ये सब पदार्थों के साथ गए, क्योंकि वे उन्हीं के संबंध में होते थे, आत्मा के संबंध में वे नहीं होते और आत्मा तक वो पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए उन्हीं के संबंध में होते थे। तो सारे राग द्वेष भी पुद्गल के ही हैं, जड़ के ही हैं, उनमें आत्मत्व पाया ही नहीं जाता। पैदा आत्मा में हो ये एक बात, लेकिन आत्मा में पैदा होना यह बात इतनी वजन देने की नहीं कि जितनी उनको परत देने की होती है। अरे आत्मा में उत्पन्न हुआ, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने पर भी इसकी पर्याय में आत्मा कहाँ है? आत्मा का कोई गुण धर्म तो बताओ। मोह में, जो मोह ये मानता है कि ये जो बंगला है ये मेरा है, ये शरीर जो है ये मेरा है, जो मोह ये मानता है, तो उस मोह में जब शरीर अपना बनता ही नहीं है, कभी एक परमाणु भी उसका नहीं बनता है, अरे आत्मा में इतनी ताकत नहीं कि अपना बुखार उतार सके, क्योंकि वो सारा पराया क्षेत्र है, पराया साम्राज्य है, वहां पर आत्मा का प्रवेश होता ही नहीं है। इस तत्व को सबसे पहले जानकर और केवल एक अकेले बचे हुए आत्मा का, फिर आत्मा ही बचता है, तब उपयोग हमारा जो ज्ञान है वो सबसे खाली होकर, ये कुछ नहीं, सबको जाना, सारे जगत को जाना। क्या जाना? यह जाना कि उनकी उनकी जो सत्ताएं हैं वो बिल्कुल स्वाधीन हैं और उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मैं अधिकार करके कहाँ रखूंगा, मैं तो स्वयं भरचक हूँ, भरा हुआ हूँ। इस तरह जिसने जाना, तो ये जानने में कहाँ दिक्कत है, कहाँ कठिनाई है? लोक में तो हम इतने चतुर होते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई चोरी हो गई हो और उसमें हमारा कोई आभूषण हो अथवा हमारी कोई घड़ी हो और वहां पर 100 घड़ियां रख दी जाएं, तो उन 100 घड़ियों में से हम चुपचाप अपनी घड़ी उठा लेते हैं। फिर हमसे पूछा जाए, नहीं नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ, तुम ये बताओ कि ये 99 घड़ियां किसकी हैं? तो हम कहते हैं हमें क्या मालूम, हमें इससे क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये घड़ी हमारी है, हम बस इतना जानते हैं, और बाकी सब पराये हैं, वो जिस किसी के हों, इसकी गणना मुझे करना नहीं है। जो गणना करता है वो बदनियत है, वो उसकी नियत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के संबंध में इतना क्यों जानना चाहता है? तो दूसरे के संबंध में ज्यादा जानने का प्रयत्न करना वह वास्तव में अपराध है। केवल इतना जानना, मूलभूत चीज केवल इतनी, जैसे हमारा पेन अगर कोई दूसरा ले ले और उसको ये पूछा जाए कि ये क्या है तुम्हारी जेब में, बोले पेन है, पेन है, हाँ हाँ कि ये तो मैं भी जानता हूँ पेन है, लेकिन किसका है, कि इससे क्या मतलब है? अरे भाई ये पेन मेरा है जो तुम्हारी जेब में है। तो वहां भी वो बात उसको अपराधी घोषित किया जाता है और वो पेन लौटाया जाता है इसी तरह। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है कि किसी का एक चप्पा भी, एक पदार्थ का कोई दूसरा पदार्थ ले सके अथवा उसका कार्य कर सके, ये बात सर्वथा 3 लोक और 3 काल में असंभव है, हो नहीं सकती है।
ये बात मुनिराज पार्श्व ने जानी और उससे आगे उस एक आत्मा ही उनको पसंद आया, क्योंकि अन्य किसी के पास मुझे संभालने के लिए, मेरा जीवन संभालने के लिए, मुझे मेरा भार संभालने के लिए, मुझे शरण देने के लिए कोई जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुदरत है, प्राकृतिक जो है, उस कुदरत में इस तरह का पक्षपात होता ही नहीं है कि आत्मा के पास तो ज्यादा हो और दूसरे किसी के पास कम हो, ऐसा होता ही नहीं है। इस तरह इस रूप में यदि हम इस सृष्टि को देखें तो वो सृष्टि कितनी सुंदर लगती है, कितनी अच्छी लगती है। हर पदार्थ, उसकी शक्तियां और उन शक्तियों से होने वाला चुपचाप मौन भाव से होने वाला काम, बस ये हर एक सृष्टि के हर एक सदस्य का काम यह है। तो आत्मा को क्या होना चाहिए कि आत्मा भी पराये पदार्थों की ओर एक बार देखकर, जानकर, यह जानकर कि अत्यंत पराये हैं और मुझे मेरा मन साफ रखना चाहिए, इसकी ओर मेरा आकर्षण ना हो, ऐसा जानकर उस आकर्षण को तोड़कर वह केवल अपनी सत्ता की ओर, अपने वैभव की ओर आकृष्ट होता है और उसका अनुभव करके आनंदित हो जाता है। अनादि काल में जो काम नहीं हुआ वो काम एक क्षण में हो जाता है। भगवान पार्श्वनाथ ने ये किया और आज उनके आहार का दिन है। ये सारी व्यवहार की बातें हैं। आहार का दिन है भगवान का, भगवान अब आहार करेंगे या सिद्धिशिला में आनंद पिएंगे, क्या करेंगे। लेकिन चूंकि यह जो दृश्य हम आयोजित करते हैं, इनसे हमें तो केवल ये तो निमित्त मात्र कहलाते हैं, लेकिन इनसे, इनको देखकर हमारे हृदय कितने गदगद हो जाते हैं, हमारे परिणाम कितने विशुद्ध हो जाते हैं, और परिणामों की उस विशुद्धि में हम उन भगवान के जीवन के साथ साथ चलने लगते हैं, उनके साथ साथ, और उनके साथ साथ चलकर वो तो निर्वाण का फैसला कर ही लेते हैं, उनका तो फैसला हो चुका है, इसलिए वो तो निर्वाण सारा जो बीच का उपक्रम है, उस बीच की सारी जगह को पार करके, गुणस्थानों को पार करके वो तो निर्वाण पहुंच ही जाते हैं, लेकिन हम भी उनके साथ साथ चलकर निर्वाण के भाजन बन जाते हैं। इसलिए है पंचकल्याण, तब ये सम्यक दर्शन का निमित्त होता है। इसलिए नहीं है कि जन्म कल्याण देखने आए सवेरे और शाम को रवाना हो गए, अथवा बीच में ही रवाना हो गए, पर पूरा देखो ना, पूरा देखो और पूरा देखकर उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करना, इसका नाम हमारा पंचकल्याण है। तब हमने हमारे पंचकल्याण को हमारा बनाया। तो ये सब अगर हो तो फिर हमारा भी वह दिवस आता है जब हम उस योग्यता को पाकर, उस पद को पाकर, हम वीतरागता की उस भाव भूमि को पैदा करके और मुनिराज बन जाते हैं। और जैसे भगवान पार्श निरंतर ये बाहर के आर इत्यादि का, चलना फिरना इत्यादि का, ये जितना भी कार्य है, इन सब में केवल उस एक आत्मा का ही अनुभव करते हैं। ये बात बड़ी कठिनाई से उतरती है ना, जो भगवान आहार करते हैं, 32 ग्रास का उनका आहार होता है और एक ग्रास 1000 चावल का होता है। तो 32 ग्रास का आहार, उसमें भी चौथाई हिस्सा आहार का होता है और दो हिस्से पानी के होते हैं और एक हिस्सा खाली रहता है। इस तरह आहार करते हैं, और आहार करते हैं तो शुद्ध आहार होता है बिल्कुल, जिसके लिए बताए कि उसमें 32 अंतराय और 14 प्रकार के मल दोष ये नहीं होने चाहिए, और नवधा भक्ति पूर्वक वह आहार होता है। नवधा भक्ति ये उन मुनिराज की नहीं, लेकिन नवधा भक्ति श्रावक का परिणाम होता है। उस श्रावक स्वयं इस प्रकार का परिणाम करता है मुनिराज को देखकर, अरे आज साक्षात मेरे आंगन में सिद्ध परमात्मा पधारे हैं, ऐसा अनुभव करता है। ऐसा अनुभव करता है तो जब मुनिराज पधारते हैं तो श्रावक लोग वो नारियल लेकर खड़े रहते हैं। सचित पदार्थ नहीं लेते हैं पड़गाने के लिए, किसी ने सेव ले लिया, किसी ने नारंगी ले ली,
किसी ने और कुछ ले लिया, ये सचित पदार्थों का काम नहीं है, वो तो हिंसा है और ये अहिंसक धर्म है। इसलिए विवेक हर जगह जागृत, विवेक की मशाल हर जगह जगती रहना चाहिए। इसलिए सचित पदार्थों का कोई उपयोग करे तो वो उपयोग नहीं होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि ऐसे मुनिराज दुर्लभ हो गए हैं और हम स्वयं इतने कठोर हो गए कि जो श्रावक का कार्य है उस श्रावक के कार्य को भी भूले, श्रावक के जो षट कर्म बताए उन षट कर्मों का भी हम कहां सहारा लेते हैं। तत्वज्ञान को जानकर, तत्वज्ञान को जानकर उस श्रावक के षट कर्मों को जाने और उनको रोजाना अपने जीवन में घटाता जाए, जीवन में उतारता जाए, तो वो वास्तव में श्रावक होता है। आज हमारे मन में क्या कभी ये भाव आता है कि 10 बजने का 11 बजने का समय हो गया, अरे विदेह क्षेत्र में अनेक मुनिराज आर को निकल रहे होंगे, ये तो मुनिराज के आर का टाइम है, तो क्या हम उस समय इतनी भी भावना करते हैं कि अरे अगर मुझे नहीं दिखाई देते हैं तो भी मुनिराज तो अवश्य हैं, और वे मुनिराज अगर वास्तव में मेरी जिज्ञासा है और मैं इतना पात्र हूँ तो वे आसमान से उतरकर मेरे आंगन में आएंगे और मैं उनको आहार देने में समर्थ हो सकूंगा। इतनी भावना हो तो हम करते हैं, ये राह देखते हैं कोई मुनिराज आवे, कोई ऐसा साधर्मी पात्र आवे, सम्यक दृष्टि पुरुष आवे, व्रती आवे, कोई आवे, क्या ऐसा विकल्प भी 10 बजे अथवा 11 बजे के समय में हमारे भीतर होता है? होता ही नहीं है। हम तो ये कह कह रह जाते हैं हमें दिखते ही नहीं है। अरे दिखते नहीं है उनको क्या ढूंढने थोड़ी जाना है, वो तो स्वयं आएंगे। शेर को तैयार होना चाहिए, फिर चारण निधिधारी मुनि आकाश से उतरेंगे, उसकी तैयारी होना चाहिए। इसलिए निमित्तों को ढूंढने नहीं जाया जाता, और जो निमित्तों को ढूंढता है उन्हीं पर आश्रित होकर, ढूंढना एक अलग बात, मुझे भी ऐसे मुनिराज मिले, मुझे भी ऐसा समागम मिले, लेकिन जो उनके आश्रित होकर, पहले मुझे उपदेश देने वाला चाहिए ना, इसलिए उपदेश देने वाला होगा तब न फिर मैं उसे समझूंगा और सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा। कितने तेरे को अनंत काल में भी होना नहीं है, लेकिन तेरी पात्रता यदि जागती है तो उस पात्रता में निश्चित रूप में मुनिराज, मुनिराज का, श्रावक का अथवा सम्यक दृष्टि पुरुष का, किसी का भी, सम्यक दृष्टि पुरुष हो, गृहस्थ हो, गृहस्थ हो, 96,000 रानियां हो, वह भी देशना लब्धि का पात्र होता है, उसकी भी देशना होती है, क्योंकि तत्व में वो बिल्कुल भूल नहीं करता, तत्व को बिल्कुल स्पष्ट और साफ जानता है, और तत्व की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति उसे हो चुकी होती है, इसलिए उसका भी, उसकी भी देशना होती है। कोई कहे कपड़े पहने हैं, अरे कपड़े पहने ही नहीं जाते, वो तो ये जानता है, न तो कपड़े उतारे जाते हैं और न कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि आत्मा कपड़े वाला है ही नहीं, तो कपड़ा कहाँ से लाएगा, कैसे पहनेगा, तो फिर ये कैसे पहनने में आते हैं। कि जब ये बात नक्की हुई, स्पष्ट हुई कि आत्मा कपड़े नहीं पहनता, उसके पास कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा पराया पदार्थ है, तो इसलिए पराये पदार्थ की कोई भी क्रिया, उसका कोई भी काम आत्मा नहीं करता, और आत्मा का कोई भी काम पराया पदार्थ नहीं करता, तो कपड़े का उतरना और कपड़े का पहनना, ये दोनों की दोनों बातें स्वतः स्वयं होती हैं, जैसे ये हवाएं चलती हैं। कौन चलाता हवा को, सूरज को कौन उगाता है, पानी कौन बरसाता है, ऋतुओं को कौन बदलाता है, ये बिजलियां कैसे कड़कती हैं, वहाँ आदमी होता होगा कोई, या कोई परमात्मा नाम का व्यक्ति होता है जो ऐसा किया करता है। इसी तरह यदि हम जगत के किसी एक भी पदार्थ की स्वतंत्रता स्वीकार कर लेते हैं तो जगत के सारे पदार्थों की स्वतंत्रता उसमें समाविष्ट हो जाती है, सारे पदार्थों की स्वतंत्रता का हमने, तो ये तो जानने वाला हो ही हो, वो जो आहार देने वाला श्रावक है वो इतना तो विवेकी हो ही हो कि मुनिराज भी मेरे से भिन्न है, और मुनिराज के वस्त्र आदि की जो चर्चा है वो तो होती नहीं है, स्वतः ही वस्त्र उतर जाते हैं, स्वतः ही वस्त्र पहनने में आते हैं हमारे, और वस्त्र उतर जाने के बाद
जब नग्न दिगंबर मुद्रा होती है तो फिर केश लोंच करके और अपने ध्यान में विराजमान हो जाते हैं, उस समय सातवां गुणस्थान अर्थात शुद्धोपयोग की दशा होती है। शुद्धोपयोग तो नीचे भी था, पांचवें गुणस्थान में भी था, चौथे में भी था, लेकिन वह थोड़े थोड़े समय के अंतर से या बहुत समय के अंतर से होता था। और अब मुनिराज तो केवल उस एकमात्र आत्म तत्व का ही उनको अवलंबन है और सारे अवलंबन टूट चुके हैं। किंचित थोड़ी बहुत कमजोरी जो शेष रही है उसके कारण आहार आदि का भाव आता है, लेकिन आहार के भाव में भी वे उससे कितने दूर हैं, वे उससे कितने अछूते हैं आहार और आहार के भाव से। आहार से तो लगे हुए हैं ही नहीं, लेकिन आहार का भाव जो उनके भीतर पैदा हुआ उसके लिए भी मुनिराज का हृदय बोलता है, उनका ज्ञान बोलता है, ये आहार का भाव मेरा नहीं। भगवान सिद्ध, मैं तो सिद्धों जैसा परमात्मा वर्तमान में हूं ना, क्योंकि जो अनादि अनंत हो, जिसमें कोई परिणाम ना हो, जिसके साथ किसी का संपर्क और मिलावट ना हो, वो शुद्ध होगा नहीं तो क्या होगा। इसलिए वो अनादि अनंत शुद्ध पदार्थ है। तो ये आर आदि का ग्रहण करना छोड़ना ये मेरा काम नहीं है, ऐसा मुनिराज जानकर फिर वो आहार ग्रहण होता है। और आहार का कौर भी वो मुनिराज जानते हैं कि मैं नहीं उठाता हूँ, और ये जो अंजुली में आता है तो ये अंजुली से मैं नहीं भक्षण करता हूँ। अंजुली में लेते हैं ना खड़े खड़े, 28 मूल गुण जो होते हैं तो उसमें अंजुली में खड़े खड़े आहार करते हैं। तो इस तरह नवदा भक्ति पूर्वक हर मुनि का आहार होता है, उसमें नवदा भक्ति में वो तो सभी श्रावकों को जानना चाहिए, मुनि का स्वरूप जानना चाहिए। छडाला में लिखा है ना, पूरा लिखा है, रत्नकरण में लिखा है, सब में लिखा है मुनिराज का स्वरूप। अगर उसको हम नहीं जानते हैं और मुनिराज का स्वरूप ही अगर हमने गलत मान लिया, वो तो रत्नत्रय की मूर्ति है, प्रतिमा है मुनिराज। तो अब उनको रत्नत्रय की प्रतिमा न मानकर हम यदि उनका कोई दूसरा स्वरूप देखते हैं तो मुनि के स्वरूप में हमारा जो गलत निश्चय हुआ, उस गलत निश्चय के कारण अनंत मुनियों का और उनके उनका उनके स्वरूप का उपदेश देने वाले अनंत तीर्थंकरों का हम तिरस्कार कर चुके। इसलिए स्वरूप तो जानना बहुत आवश्यक होता है। हमको भी अभी सम्यक दर्शन यदि प्रकट हुआ है तो हमको भी रत्नत्रय धारण करता है। हम मुनिराज के पास केवल एक ही भावना से जाते हैं, क्योंकि वे तीन रत्न के धारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्न के धारी होते हैं। और उस तीन रत्नों को प्राप्त करने के लिए हम मुनिराज का समागम करते हैं। दूसरी कोई ऐहिक इच्छा, इस जगत की इच्छा या परलोक की इच्छा श्रावक को होती ही नहीं है। तो पहली भक्ति होती है नवदा भक्ति में पड़गाहन, कि जब हम वो नारियल लेकर खड़े रहते हैं तो मुनिराज यदि उनकी योग्यता मिल जाए, योग्यता मैंने वृत्ति परिसंख्यान करते हैं, आंकड़ी लेते हैं, और उस आंकड़ी के अनुसार यदि मिल जाए हमारे यहाँ हमारे पुण्य से, तो फिर वो खड़े रहते हैं और हम कहते हैं भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है, मेरे ग्रह में प्रवेश कीजिए। तो ये पड़गान होता है। जब जाते हैं वे उधर चौके के बाहर, तो वहां पर भगवान को मैंने मुनिराज को ऊंचे आसन पर विराजमान करते हैं। ऊंचे आसन कुर्सी ही नहीं, भले ही कोई पाटा ही हो, लेकिन ऊंचे आसन पर विराजमान करते हैं। फिर उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, फिर उनको नमस्कार, फिर उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको नमस्कार करते हैं। तो पांच नवदा भक्ति तो ये हुई। और फिर जल मन आहार शुद्ध, मन वचन और काय से आहार जल शुद्ध है, इस तरह ये तीन नवदा भक्ति ये होती हैं, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध और आहार जल शुद्ध, ये चार भक्तियां फिर और होकर नवदा भक्ति पूरी होती है। इनमें से यदि श्रावक एक भी भक्ति में चूक जाता है तो मुनिराज अंतराय कर जाते हैं। कहते ये बात तो समझ में आने लायक नहीं है, अगर 9 में से 8 भी हो जाती तो मुनिराज
एक भी भक्ति यदि कम हो तो उसमें श्रावक की परीक्षा होती है और मुनिराज वापिस लौट जाते हैं। और जैसा हमने अभी जाना कि मुनिराज को लौट जाने के बाद फिर आहार का विकल्प नहीं होता, आज अंतराय हो गया अथवा आज मेरी आंकड़ी के लायक आहार नहीं मिला, ऐसा उनको होता ही नहीं, विकल्प ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें शुद्धात्मा में इतने तल्लीन होकर रहते हैं कि ये आहार नहीं मिला तो ठीक, ये तो अच्छा है, इतना समय मेरा जाता, तो उसको छोड़कर एकदम फिर शुद्धात्मा में चले जाते हैं और शुद्धात्मा के रसा स्वादन का, उसकी अनुभूति का आनंद लेने लगते हैं। इस तरह मुनिराज को हर दशा में, तीर्थंकरों को तो निहार होता नहीं है मलमूत्र आदि, और दूसरे मुनिराज को तो ये भी होते हैं, मलमूत्र आदि होते हैं, आहार भी होता है, पीछे कमंडल भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब होते हैं। लेकिन होते हुए भी वे उनकी इनके प्रति रंच भी मूर्छा नहीं होती, थोड़ी भी नहीं होती। इसलिए मुनिराज को हम यदि सम्मान पूर्वक आहार देते हैं तो फिर वो आहार देने के लायक होते हैं। और कि भक्ति में अगर कमी हो जाती है, नवदा भक्ति में कमी हो जाती है, तो उससे श्रावक की परीक्षा होती है कि श्रावक को मुनि के आहार देने का तरीका तक पता नहीं है। होता तो ज्यादातर ऐसे है कि कोई उनके साथ हो जाते हैं और वे विधि बताया करते हैं और वो श्रावक विधि किया करता है, ये तो अंतराय है, ये विधान नहीं है। ये तो श्रावक स्वयं इतना समझदार होना चाहिए, सात गुण संपन्न, श्रद्धा संतोष भक्ति ज्ञान लोभ का न होना क्षमा इत्यादि गुण उसमें होने चाहिए, और उन गुण सहित वह भगवान की नवदा भक्ति से भगवान को आहार कराता है। अरे जिसके आंगन में भगवान तीर्थंकर जैसे मुनिराज का आहार हुआ, उसकी धन्यता का क्या ठिकाना है, उसकी क्या सीमा है, वो तो अपने आप को धन्य मानता है। और ज्यादा पुण्य होता है तो रत्नों की वर्षा भी हो जाती है, वो तो हो भले ही, वो तो पुण्य का कार्य है। लेकिन मुनिराज का आहार हुआ तो मैं तो रत्नत्रय के निकट रहा इतने समय तक, और मुनिराज की दशा देखिए कि आहार के काल में भी वे सैकड़ों बार इधर आहार का विकल्प और इधर आत्मा की अनुभूति, आत्मा का संवेदन, तो क्षण क्षण में सैकड़ों बार आहार करते हुए भी, अथवा कोई मलमूत्र का विसर्जन करते हो तो उस समय भी, कोई वस्तु उठाते धरते समय भी, ये जो सारी बातें हैं इनमें अंतर मुहूर्त काल में छठे गुण स्थान में जो विकल्प आर विहार आदि के आते हैं, महाव्रत आदि के आते हैं, उन विकल्पों को तोड़कर और वे यदि सातवें गुण स्थान में जाकर शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं करते तो उनको मुनि कहते नहीं है। नियम है ये, नियम है तो क्या जबरदस्ती होती है ऐसी, कि जबरदस्ती नहीं होती है तो माहिर हो गए हैं शुद्धात्मा की अनुभूति के, इतने अभ्यासी हो गए हैं, और चूंकि वो आनंद का निकेतन है वो शुद्धात्मा, इसलिए उस आनंद के निकेतन में जाते ही उनको तो ऐसा लगता है कौन आहार करे, क्या आहार करे, आहार करना ये कोई मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं सिद्ध सदृश और मैं जाकर मेरा हाथ तो नीचा रहे और दातार का हाथ ऊंचा रहे, ये मुझे शोभा देता है। इस तरह के जो चिंतन है वो मुनिराज को होते हैं।
लेकिन ये बात अवश्य जानने की कि 24 घंटे में सोते सोना तो होता ही नहीं है, सोना मैंने लेटना बन सकता है, पर उसमें भी कोई लंबी नींद आ जाए ऐसा होता नहीं है। वहां भी यही क्रम चालू रहता है कि छठा गुण स्थान में आत्मा का चिंतन, अथवा आहार कर रहे हो तो आहार का विकल्प, अन्यथा आत्मा का चिंतन, शुद्ध आत्मा का चिंतन और तुरंत शुद्ध आत्मा की अनुभूति। इस तरह जैसे एक बालक को हिंडोला दिया जाता है, इस तरह से छठे और सातवें गुणस्थान में मुनिराज झूलते रहते हैं और उनकी शुद्धि बढ़ती जाती है। ये काम मुनिराज पार्श्व कर रहे थे और अब उनके आहार का आज दिन है, तो हम इस बात को समझें कि नवदा भक्ति ही अगर हमें याद नहीं है तो हम आहार देने के अधिकारी नहीं है। वो तो याद होना चाहिए ना, और भगवान तीर्थंकर जैसों को आहार देना चाहते हैं। और सारे दोषों को टालकर मैंने इससे ऐसा पता लगता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए कि सचमुच मुनिराज को आहार के प्रति एक वृत्ति उठती तो है, लेकिन वह वृत्ति इतनी कमजोर होती है कि जैसे एक हिरण घास को खाया करता है, हरी घास को, और जरा सा खटका होते ही भाग जाता है। इस तरह मुनिराज भी उस आहार के सामने जाकर भी उसमें बिल्कुल भी लिप्सा नहीं करते, अरे हाँ हूँ इत्यादि की बात तो होती नहीं है। चुपचाप जो श्रावक है वो अंजलि में रखता जाता है बड़े सम्मान पूर्वक, और वे लेते जाते हैं। आंकड़ियां भी ऐसी होती हैं जैसी भगवान महावीर के समय में हमने सुनी होंगी कि कैसी आंकड़ी थी और मिल कैसे गई, मिल जाती है। ये तो सारे पुण्य के कार्य हैं, इसलिए वो अपना काम किया करता है। मुनिराज को तो इसकी किंचित मात्र भी अभिलाषा नहीं होती। इस प्रकार आर के प्रति भी इतने इतने निरुच्छुक होते हैं, वहां भी उनको तीव्र अभिलाषा आर की कभी नहीं होती, और आर नहीं हुआ तो भी उनको किसी प्रकार का संक्लेश या बार बार आहार का विकल्प आना यह होता ही नहीं है। आत्मा का आहार तो यदि आहार ना हो तो भी हो चुका, क्योंकि उससे आगे उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उससे आगे वो ग्रास का कौर भी एक दाना भी ग्रहण करता ही नहीं है। इस तरह अंतरायों को टालते हुए मुनिराज आहार करते हैं, और उसमें मुख्य बात ये ध्यान में रखने की कि वो क्षण क्षण में छठे और सातवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में आनंद दशा स्वरूप मंथर की तरह से, मंथर मन कछुआ, जैसे कछुआ वो धीरे धीरे चलता है, वो जल्दी भाग ही नहीं सकता, उसी तरह मुनिराज उस मंथर की तरह अपने स्वरूप में जाकर, स्वरूप वाटिका में जाकर इस तरह सो जाते हैं, इस तरह वहां पर निमग्न हो जाते हैं उन अनंत शक्तियों की सौरभ से कि वे बाहर की महाव्रतादि की ये पांच समितियों की तीन गुप्तियों की धूप में आना ही नहीं चाहते उस एयर कंडीशन को छोड़कर। ये उनकी अंतरंग वृत्ति होती है। हमको भी होता है ना ऐसे, कभी बहुत अधिक चिंता हो जाए, अपना इकलौता बच्चा हो, उसका बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया हो और वो हॉस्पिटल में हो, तो हम आहार करते हैं, हम भोजन करते हैं कि साहब करते तो हैं, हमने देखा तो है कि आहार भोजन कर रहे थे। अरे भोजन करते हुए भी वो भोजन नहीं कर रहा है, उसका जो सारा चित्त है वो तो अपने इकलौते बेटे में पड़ा है। इसी तरह मुनिराज भी आहार करते हुए, विहार करते हुए, पीछे कमंडल का व्यवसाय करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन उनका चित्त तो केवल उस आनंद के निधान में ही पड़ा रहता है, और इसलिए उस आनंद के निधान के आशय से, क्योंकि वही वास्तविक है ना, अपनी सत्ता वही है ना, हमारी जो ज्ञान की पर्याय है अथवा और कोई पर्याय है, तो वो पर्याय जब सब पदार्थों को पराया मानकर वहां से हट चुकी, तो फिर बाकी कौन बचता है विहार करने के लिए और संवेदन करने के लिए कि केवल वो आत्म तत्व ही बचता है। तो आया है समयसार में कि जब सारे पदार्थों से विरक्ति हुई मैंने क्या पदार्थ छोड़े, पदार्थ नहीं छोड़े, पदार्थ को छोड़ना ये आत्मा का काम नहीं, उसका तो दूसरा अर्थ ये होता है कि वो पदार्थों को ग्रहण भी करता है। अरे पदार्थों के प्रति जो उसके एकत्व की, अपनत्व की, अहंकार की जो मिथ्या कल्पना थी, वो मिथ्या कल्पना भीतर ही भीतर उसने छोड़ी है,
वो मिथ्या कल्पना भी कभी बाहर निकलकर किसी को अपना नहीं बना सकी, इसलिए वो मिथ्या कल्पना छोड़ी तो सारा जगत छूट गया। कैसे छोड़ते हैं? हम किसी को कहें कि ये आपका बंगला है, ये आपका सारा बंगला मैंने छोड़ दिया। ये क्या छोड़ा? कि हम पहले उसके घर में गए, इसके बाद एक एक वस्तु को देखा, उठाया और फिर रखा। क्या इस तरह बंगला छोड़ा है? अरे वो बंगला छूटा ही हुआ है, क्योंकि वो पराया है, ऐसा हम जानते हैं। इस तरह परायापन जानते हुए मुनिराज, उस परायापन का भी ख्याल नहीं है अब तो। अब तो केवल एक ही परम तत्व सारभूत, परम रसवान जो है, मधुर है, जो मधुर मीठा मीठा हम चाहते हैं ना, अमृत जैसा अमृत भरा है उसके भीतर, ऐसा अमृत के जो कभी बीतने वाला नहीं है, ऐसे अमृत का पान करते हुए मुनिराज वो श्रेणी पर आरोहण करते हैं। मैंने ये तो छठे और सातवें गुण स्थान की चर्चा की ना अपन ने, और मुनिराज के स्वरूप की चर्चा की, पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय जय, छह आवश्यक और सात जो दूसरे गुण होते हैं केश लोच इत्यादि के। इस तरह 28 मूल गुण, ये मूल गुण ये हरेक मुनि को नियम से होते हैं, चाहे वे भगवान तीर्थंकर हों। किसी के लिए बिल्कुल लिहाज नहीं है, और किसी काल के मुनि हों, लेकिन सार इसमें आता है नियम सार में कि सर्व काल में सर्व साधु एक से ही होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। अरे वो जो उस परम योगी में और भगवान सिद्ध में अंतर मानता है, वो तो नितांत जड़ है, अचेतन है ऐसे, क्योंकि सिद्धों को तो हम देखते नहीं, देख नहीं पाते हैं। तो भगवान जो जो ये परमात्मन है मुनिराज, इन मुनिराज को देखते ही हमको सिद्धों के स्वरूप का बोध होता है, नजर आता है ये क्या है। ये न तो ये खाते हैं न ये पीते हैं। अरे जिनको एकमात्र शुद्धात्मा में जाने की चिंता है, यदि उसको खाना एक महीने तक भी न मिले तो उसे एक विकल्प आता नहीं कि एक महीना हो गया, मैंने उपवास किए और मुझे इतनी निर्जरा हुई होगी कि तेरे को जरा सी भी निर्जरा नहीं हुई, बंद ही बंद हुआ है, बिल्कुल नहीं हुई। इसका हिसाब वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनने तो एक स्थान रहने के लिए नियुक्त कर लिया है। इस तरह आज का जो दिन है वो महान पवित्र दिवस है, और उस पवित्र दिवस में हमें मुनिराज के 28 मूल गुण का, नवदा भक्ति का, इसका तो बोध होना ही चाहिए। लेकिन इसके बोध के साथ उनका जो आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक, उस आंतरिक स्वरूप में जैसे ये छोटे छोटे बिजली के बल्ब होते हैं, तो बुझा और जला, बुझा और जला, बुझा और जला, इस तरह से छठे गुण स्थान में आकर उनको महाव्रत समिति गुप्ति आदि के विकल्प, अथवा आत्मा का चिंतन, चिंतन भी विकल्प है, वो ज्ञान से होता है, वो राग से नहीं होता है। महाव्रत आदि के जो विकल्प हैं वो तो राग हैं, और आत्मा का जो चिंतन है वो ज्ञान है। लेकिन वो चिंतन भी, चिंतन भी, क्योंकि चिंतन में वस्तु नहीं मिलती है। चिंतन जब तक चलता है तब तक वस्तु नहीं मिलती, और वस्तु के मिल जाने पर चिंतन और विचार ये सब पीछे रह जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए छठे में चिंतन और सातवें में अनुभूति। इस तरह से हजारों बार दिन भर में हमें एक आध बार याद आती है आत्मा की। यहाँ इतनी बात सुन लेने के बाद सब याद तो बहुत आती है, आनंद भी बहुत आता है सुनने में। कहते हैं ये सारा धंधा हम राग के विकल्पों के द्वारा करते हैं, कि जो राग का विकल्प हमारे लिए जहर है उसके द्वारा करते हैं। आनंद तो आता है सुनते हैं तो, और समय, और ये भी चाहते हैं कि हमको भी जल्दी से जल्दी हो। कहते हैं यही तो बाधक है, यही चीज तो, ये हमको भी जल्दी से जल्दी हो, ये जो पर्याय है, इस पर्याय का जो मोह है वो अब केवल बदला है, पर्याय पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई, पर्याय पूरी तरह से अनुपादेय नहीं हुई, हे नहीं हुई, सचमुच तो सारी पर्याय। क्योंकि सम्यक दृष्टि पुरुष, मुनिराज की तो बात बहुत बड़ी, लेकिन सम्यक दृष्टि पुरुष वो सिद्ध दशा को वास्तव में चाहता नहीं है, और जो नहीं चाहता है उसी को मिलती है। ये लोक व्यवस्था भी है,
जो पुण्य में पुण्य करता है, शुभ भाव करता है, वो भोगों का त्याग करता है, तो भोगों का त्याग करने पर वो भोगी उसे अपने आप आते हैं, मिलते हैं। और भोगों को जो जकड़ता है पास में आने पर, उनको जाने नहीं देना चाहता और ताले और चाबियां लगाता है, तो उसको वो भोग फिर मिलते ही नहीं है। ऐसी कुदरत की है ये तो व्यवस्था, जैन दर्शन ने तो बताई है। केवल ऐसी एक स्वाभाविक कुदरती व्यवस्था को जानकर, जब मुनिराज सातवें गुणस्थान से उनको ज्यादा तूफानी वैराग्य आता है, यहां से शुक्र ध्यान शुरू होता है आठवें गुणस्थान से, तो शुक्र ध्यान में केवल एक शुद्धात्मा के चिंतन में लीन रहते हैं। वहां पर राग रहता है, राग रहते हुए भी, क्योंकि राग और आत्मा ये दोनों सदा से न्यारे हैं, अत्यंत न्यारे हैं। राग कृत्रिम कल्पना से पैदा हुआ है, आत्मा यथार्थ और वास्तविक है, वो सत्ता स्वरूप है। इसलिए वो सत्ता स्वरूप आत्मा में और राग में जो भेद है, वो भेद कभी समाप्त नहीं होता। तो वो जो राग है वो वहां होते हुए भी, अभी राग है ना, संज्वलन कषाय का जो राग कहते हैं, वो मुनिराज को विद्यमान रहता है। लेकिन जिस समय श्रेणी का श्रेणी माने एक ऐसी तूफानी वितरागता की व्यवस्था कि जिसमें केवल एकमात्र आर विहार आदि का मूल गुण आदि का विकल्प न होकर केवल एक शुद्धात्मा का ही चिंतन होता है, शुद्धात्मा ही दिखाई देता है, इस तरह उस शुद्धात्मा में लीन रहते हुए भगवान उन कर्मों का भी नाश हो जाता है। कर्मों का नाश करते नहीं, नाश करने से उनको क्या मतलब है, भगवान ये जानते हैं, सम्यक दृष्टि पुरुष ये जानते हैं कि ये जो कर्म नाम की चीज जैन दर्शन कहता है, कर्म फिलॉसफी, वो कर्म फिलॉसफी केवल मेरे अपराधों को बताने वाली है, मुझे अपराध पैदा कराने वाली नहीं। इसलिए उस कर्मों के बीच रहते हुए भी जो ज्ञानी हैं, वे कर्मों को अपने से बिल्कुल न्यारा जानकर और शुद्धात्मा को न्यारा जानकर शुद्धात्मा की अनुभूति कर लिया करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति है। रागत द्वेष भी रहने वाले हैं, इधर आत्मा भी रहने वाला है, इनके बीच में केवल उपयोग है ज्ञान, वो ज्ञान ही है हमारा सब कुछ। उस ज्ञान के द्वारा इनका अंतर जानकर, एक जो हमारा नहीं है, हम नहीं है, हमारा हो भी नहीं सकता, हमसे सदा ही न्यारा रहा, ऐसा जानकर शुद्धात्मा की ओर अपने उपयोग को ले जाते हैं। और जब उसका तूफान बढ़ता है तो उसमें लीन हो जाते हैं। इस तरह लीन होकर दसवें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तो वहां पर लोभ थोड़ा सा रह जाता है, वो लोभ भी स्वरूप का लोभ, आत्मा का लोभ, और आत्मा का लोभ भी ऐसा कि जो ख्याल में ना आवे पूरी तरह से, ऐसा लोभ, ऐसा सूक्ष्म लोभ रह जाता है। देखिए जैन दर्शन निष्पक्ष भी इतना है कि दसवें गुणस्थान में अकेली शुद्धात्मा की अनुभूति होते हुए भी सूक्ष्म सांपराय, जिसको कहते हैं ना सूक्ष्म लोभ या सूक्ष्म सांपराय दसवां गुणस्थान, तो वहां पर वो लोभ रहते हुए भी, क्योंकि लोभ और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक को चुना जा सकता है बहुत आराम से, बहुत आराम से चुन सकते हैं ना। अरे सारे पकवान पत्तल पर रखे हुए हैं, लेकिन ये कहां आवश्यक है कि हम पकवानों के साथ पत्तल भी खावें, ये कहां आवश्यक है। पकवान पकवान खा लेते हैं और पत्तल रह जाती है। इसी तरह राग पड़ा हुआ हो तो राग तो पत्तल है, और वहां पर इस तरह के पकवान बन रहे हैं ज्ञान और आनंद के, तो आत्मा तो ज्ञान और आनंद के पकवानों की ओर झुक जाता है, और वो पत्तल अपने आप फिर आंधी में उड़ जाती है। इसलिए दसवां गुणस्थान होते ही जब बारहवां गुणस्थान आता है, अभी तो आएगा नहीं, अब आएगा, आज ही आ जाएगा वो भी, क्योंकि आर के बाद में वही काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। ये बात तो पूरी तरह समझ लेने की है कि मुनिराज को कोई 24 प्रकार के परिग्रह में से कोई परिग्रह तो होता ही नहीं, ये चश्मा भी नहीं होता है। आंखों से अगर कम दिखाई देने लगे, भोजन करने में अगर मुश्किल आने लगे, जीव जंतु नहीं दिखाई देते हों, तो वे मुनिराज समाधि मरण करते हैं आर वगैरह छोड़कर। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, बुढ़ापा हो अथवा रोग हो, ये चार परिस्थितियां होती हैं समाधि मरण धारण करने की। तो कोई उपसर्ग ऐसा हो जाए
कि जो टल न सके तो वे मुनिराज संलेखना धारण करके और उस उपसर्ग के बीच में ही वो उपसर्ग दूर होकर केवल ज्ञान होकर उनका मोक्ष हो जाता है। इस तरह उपसर्ग दुर्भिक्ष कोई ऐसा हो जाए, बुढ़ापा ऐसा आ जाए तो वो बुढ़ापा तो लौटने वाला है नहीं, और बीमारी कोई ऐसी आ जाए कि जो अब समाप्त होने वाली, ऐसा अपने विवेक से अवश्य ही निश्चय होता है। हम भी कहते हैं अब मैं बचने वाला नहीं हूं इतना। तो इस तरह मुनिराज को भी वो जब सूक्ष्म लोग रहता है तो वहां भी अपने उसी शुद्धात्मा में लीन, रागादिक रहे तो वे जरा भी शुद्धात्मा में बाधक नहीं होते, क्योंकि उनका मार्ग अलग, उनकी कक्षा अलग और आत्मा की कक्षा अलग है। दोनों की कक्षाएं इतनी भिन्न हैं, वज्रमय हैं, कि राग आत्मा में प्रवेश नहीं करता और शुद्धात्मा राग में प्रवेश नहीं करता। सदा से ये स्थिति रही है और इस बात को हम नहीं जान पाए, और हम तो यह कह बैठे हम तो रागी हैं, हम तो देशी हैं, हम तो अज्ञानी हैं। जो सुखी हैं और ज्ञानी हैं वे तो भगवान हैं। और आजकल लोग कहने लगे ये जो ज्ञानी हैं ये तो ये विद्वान हैं जो बोलते हैं हमारे सामने। अरे भाई ये नहीं है ज्ञानी, ये केवल ये वाणी जो है ये ज्ञान नहीं है, इसको सुना देना ज्ञान नहीं है। अरे विद्वान ने भी अगर इस बात को स्वीकार करके शुद्धात्मा को सर्वोच्च माना हो और इस सारे विश्व को अपनी आत्मा से भिन्न जितना कुछ जगत है उसको मिट्टी माना हो तो वह पात्र होता है और उसको सम्यक दर्शन होता है विद्वान भी। तो विद्वत्ता तो डुबोने वाली होती है असल में, तो सच्चाई तो यह है, क्योंकि बहुत अध्ययन करता है तो उलझता है, विकल्प बहुत पैदा होते हैं तरह तरह के। एक ओर से देखता हूँ आत्मा शुद्ध लगता है, दूसरी ओर से देखता हूँ आत्मा अशुद्ध लगता है, क्या करूं इन दोनों में से, दो पहलू हैं। अरे फिर क्या करना है इसमें, जो अशुद्ध है वो अशुद्धता तेरी नहीं है, तेरे भीतर नहीं है, उसका तेरे से कोई वास्तव में संबंध भी नहीं है, केवल तेरे अज्ञान के कारण ये पैदा हो गई है। इसलिए इस अशुद्धता के बीच में भी तू प्रांजल पड़ा है, एकदम निर्मल पड़ा है, शुद्ध पड़ा है, ऐसा जानकर उस उपादेय तत्व को, उस निरंजन तत्व को ग्रहण करके उसमें दसवें गुण स्थान में भगवान लीन है। इसके बाद जब मोह का क्षय करने का नंबर आता है उसके बाद सारा राग द्वेष मोह समाप्त हो जाता है और ये आर विहार आदि के विकल्प भी नहीं होते, ज्ञान श्रुत ज्ञान ही रहता है। देखिए कमाल देखिए, श्रुत ज्ञान जो चतुर्थ गुणस्थान की अनुभूति से प्रारंभ हुआ वो श्रुत ज्ञान बारहवें गुणस्थान तक चलता है और वह श्रुत ज्ञान एक ही काम करता है। यहाँ भी उसने शुद्धोपयोग का काम किया और वहां भी वो शुद्धात्मा की अनुभूति का शुद्धोपयोग का काम कर रहा है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को तप कहते हैं, और यही सिद्ध दशा में भी ऐसा का ऐसा ही है, यही सिद्ध दशा है। सिद्ध दशा में भी उनके पास में एक सिद्ध के पास अनंत सिद्ध रहते हैं ना, तो कभी विचार आ जाता होगा ना, देखें ये कैसे रह रहे हैं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, कभी आता है विचार। और अब तो बहुत समय हो गया यहाँ आए हुए, यहाँ कहाँ तक रहेंगे, अनंत काल बताते हैं, जरा एक बार फिर सैर करें, फिर मध्य लोक की सैर करें, फिर नरक की सैर करें, क्या ऐसा विकल्प आता है। अरे जो आनंद में डूब गया हो, वास्तविक आनंद जिसको मिल गया हो, उसको पुण्य पाप राग द्वेष की धूप देखना ही नहीं होता है। इस तरह दसवें गुण स्थान को पार करके जिसको जो क्षपक श्रेणी है ये, इसमें दसवें से एकदम बारहवां गुण स्थान आता है, क्योंकि ग्यारहवें गुण स्थान तो उपशम का होता है जिसमें कषायों का उपशम हो जाता है। तो दसवें और बारहवें में विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर केवल मैंने उनकी जो विशुद्धता है उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर यह होता है कि वो वहां से लौटेंगे ग्यारहवें गुण स्थान वाले, और ये जो क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके आगे जाते हैं तो वे लौटते नहीं हैं, वे दसवें से एकदम बारहवें में जाते हैं। और एकदम बारहवें में गए कि बारहवें के पहले ही क्षण में वो वितराग दिखाई देते हैं, दसवें के अंतिम क्षण में वे लोभ से थोड़े रागी दिखाई देते थे तो शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की अनुभूति वाले, लेकिन वो भी विद्यमान था ना, तो विद्यमान होने पर भी वहां थोड़ा राग दिखाई देता था। अब उस गुणस्थान के अंतिम समय को पार करके जब बारहवें गुणस्थान का प्रथम समय आया
तो वो लोभ गायब हो गया और वितरागता का जन्म हो गया। ये वास्तविक जन्म है। हम लोगों का भी वास्तविक जन्म एक बार तो हुआ, लेकिन दूसरी बार का जो जन्म है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, वो द्विजन्मा कहलाता है सम्यक दृष्टि। एक जन्म तो हुआ वो सांसारिक, और अब ये लोकोत्तर जन्म हुआ है सम्यक दर्शन का। इस तरह वो जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान माने क्या, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों एक ही बात है। शुद्ध उपयोग याद रखिए, बस आत्मा की अनुभूति याद रखिए, बस उसी में ध्यान आ जाता है, शुद्ध उपयोग उसी में आ जाता है, उसी में सारा तप आ जाता है, सब कुछ उसी में आ जाता है। स्वरूप में विश्रांत होकर निस्तरंग चैतन्य का प्रतिपन्न हो, उसका नाम तप है। हम तो उनको दुखी देखते हैं, मुनिराज को दुखी देखते हैं, अरे प्रतिपन्न मन चारों ओर आग जल रही है, सिर पर अंगीठी जल रही है और वो शेरनी खा रही है। ये सब होता है कि सब होता है, तो मुनिराज ने तो एक ही बार फैसला कर लिया कि मेरे में न तो कभी कुछ हुआ है और न होने वाला है। ये स्वयं ही मनी वहां तक पहुंची नहीं है ना, तो मुझे डरने की आवश्यकता कहाँ है। और ये बात अनादि अनंत है ये, लेकिन अनादि अनंत होने पर भी अगर हम इतने से सत्य को नहीं समझ पाए कि मैं अनहोना तत्व हूँ, ये तो मौसमी हवाएं हैं राग द्वेष की, तो जो चला करती हैं, कभी कम और कभी अधिक, कभी बसंत और कभी पतझड़, लेकिन मेरे में न कभी बसंत आता न कभी पतझड़ होता, मैं दोनों से पार हूँ। इस तरह जो जानता है, इस तरह जानने का प्रयत्न, ये पंच कल्याण का अवसर है। ये केवल सुनने मात्र का नहीं, तत्व ज्ञान को बिल्कुल व्यवस्थित और साफ करके ये बात सुनने लायक होती है। तो जब 11 जब 10वें से 12वें गुण स्थान में भगवान गए, वीतराग हुए, वीतराग होने पर भी मन मोह गया, और अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय ये बाकी है, इतना विकार भी बाकी है। ये बाकी होने पर भी उनका तो एक ही काम, क्योंकि ये मेरे में नहीं है, मेरे से न्यारे हैं, इसलिए उनसे न्यारे रहकर वहां भी शुद्ध ज्ञान के द्वारा, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, उसको भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं, उस भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का ही अनुभव उस गुणस्थान में, और उस शुद्धोपयोग के बल पर फिर उस 12वें गुणस्थान के अंत में उसका जब अंत होता है, और 13वें गुणस्थान का पहला समय जब होता है, तो वहां पर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और इनके साथ में रहने वाला जो विकार वो भी समाप्त होकर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये केवल ज्ञान की रीति है। जो छोटा सा शुद्ध ज्ञान, तुष्मास भिन्नम जितना, सारे समय सार को पढ़ने जितना नहीं, तुष्मास भिन्नम जितना, शिवभूति मुनि जितना, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मुनि दीक्षा धारण की थी, तो एक नदी पर एक स्त्री दाल धो रही थी, तो मुनिराज ने पूछा किम करोति भगवती, तो तुम क्या करती हो, ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि दाल को छिलके से अलग कर रही हूँ। इतनी सी बात कही, क्योंकि दाल अलग है और छिलका अलग है, भाई इतनी सी बात सुनी तो तुष्मास भिन्नम आत्मा और राग भिन्नम इस प्रकार का रटन करते हुए, मैंने काली रटन करते हुए नहीं, लेकिन इतनी बात जानते ही भीतर पहुंच गए, अरे सारे के सारे राग द्वेष मोह और कर्म ये तो तुच्छ हैं, और मेरा शुद्ध आत्मा यही वो उपादेय दाल है, वही आनंदमय है, वही स्वादिष्ट है, इतना स्वाद आत्मा का कि एक बार जिसका स्वाद ले लेने के बाद फिर वहां से मन चलता नहीं है, बार बार उधर ही जाने का मन होता है। इस तरह क्या 12वां गुणस्थान वीतराग होता है, और वीतराग गुणस्थान में श्रुत ज्ञान ही काम करता है। ये खास ध्यान में रखने की बात, श्रुत ज्ञान बढ़ता नहीं। कहां बढ़ा शिवभूति मुनि का, उन्होंने 12 अंग कहां पढ़े, लेकिन 12 अंग का जो हृदय है, केंद्र बिंदु है, वो आत्मा उन्होंने पढ़ लिया, वो शुद्धात्मा उन्होंने पढ़ लिया, इसलिए तुष्मास भिन्नम को उदाहरण बनाकर भीतर उतर गए, और भीतर उतर कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस तरह जिनको इतनी ऐसा होता है ना, हमारे भीतर एक निराशा का भाव होता है, और वो ये कि हमने समय सार भी पूरा नहीं पढ़ा, हमने प्रवचन सार भी पूरा नहीं पढ़ा, ये ग्रंथ हमने पढ़े नहीं, अब हम तो बिना
बहुत ज्यादा धर्म के संबंध में जानते नहीं हैं, इसलिए हम तो साहब इतने ही अच्छे हैं कि ऐसा मत करो, भव बिगड़ जाएगा, एक भव नहीं अनंत भव बिगड़ जाएंगे, इतना दुख आने वाला है कि उस दुख की यहां कल्पना नहीं की जा सकती, इतना कष्ट आने वाला है इसमें। ये तो सामान्य बातें राग द्वेष मोह की तो, लेकिन जिसको सिद्ध दशा की लिप्सा है, सिद्ध दशा की जिसको पिपासा है कि मुझे सिद्ध बनना है, ये भाव भी अनंत संसार परिभ्रमण का भाव है। जब तक उसने ये नहीं जाना कि मैं तो बना बनाया अप्रतिम सिद्ध हूं, और ये पर्याय तो उस प्रकार की जो सदोष पर्याय हैं, जो विकारी पर्याय हैं, उनका अंत करके फिर ये पर्याय प्रकट हुई है सिद्ध दशा की पर्याय। तो इसलिए इससे मैं न्यारा ही हूं वास्तव में। ऐसा सिद्ध भगवान का भी यह उपयोग निरंतर केवल ज्ञान स्वरूप होकर उस शुद्धात्मा का ही अनुभव करता है, और उस शुद्धात्मा में सारा लोकालोक, तो लोकालोक तो लोकालोक की जगह रहता है, लेकिन वह केवल ज्ञान, हमारा ज्ञान भी, श्रुत ज्ञान भी, उसी तरह केवल ज्ञान भी इंद्रियों के द्वारा नहीं, लेकिन ज्ञान स्वयं ज्ञान की सामर्थ्य से वो लोकालोक जैसे जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनको वैसा का वैसा जानता हुआ भीतर प्रवर्तित होता है, उनको पर जानता हुआ, भेद विज्ञान हुआ है ना, इसलिए उनको पराया जानता हुआ, और इधर अपने शुद्धात्मा को स्व जानता हुआ, उन सारे आकारों को लेकर उनको ज्ञान मात्र बनाकर, सारे आकार आए तो क्या है ये आकार, कि पदार्थ तो है नहीं तो क्या है, कि ये मेरी ही पर्याय है, उन पर्यायों को, और ये पर्याय क्या है, ये पर्याय तो जिधर से भी देखता हूँ, खोल कर देखता हूँ, छान कर देखता हूँ, तो ज्ञान ही ज्ञान निकलता है इसमें से, तो इस तरह ज्ञान ही है ये सारी पर्याय, लोकालोक के आकार, गेयाकार जिनको हम कहते हैं, उन सारे गेयाकारों को समेट कर एकमात्र ज्ञान और एकमात्र शुद्धात्मा मैं हूँ। ये तो सम्यक दर्शन के पहले की दशा है, पहले की, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो ही जाती है। इसलिए 13वें गुणस्थान में जब भगवान अनंत चतुष्टय प्राप्त कर चुके, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जब प्रकट कर चुके, तब फिर उसके बाद यदि तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि होती है। सामान्य केवली हो तो किन्हीं की तो दिव्य ध्वनि होती है, कोई मूक केवली होते हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती। इस तरह से वो केवल ज्ञान की दशा भी, वो भी उनको वास्तव में आराध्य नहीं, केवल ज्ञान के जो आराधना करता है वो एकमात्र शुद्धात्मा की आराधना करता है, निरंतर प्रति समय जो शुद्धात्मा में केवते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उसका नाम केवल ज्ञान है। इस तरह क्रीड़ा करता हुआ केवल ज्ञान, फिर अंत में 14वां अयोगी गुणस्थान होता है, जिसकी चर्चा विशेष करना नहीं है, आज समय बहुत हो गया, मुनिराज का आदान होने वाला है, और वह भी ये सचमुच उस शुद्धात्मा को जानने के लिए मुनिराज के निकट जाकर हम उनके रत्नत्रय धर्म को पहचान कर, और पहचान कर उस रत्नत्रय धर्म की तीव्र पिपासा, गाढ़ी पिपासा रखें, अरे ये रत्नत्रय धर्म मुझे भी शुद्धात्मा के दर्शन से मिले। रीति एक ही है कि शुद्धात्मा के दर्शन से ही सम्यक दर्शन का जन, उसी से सम्यक ज्ञान का जन, और उसी से सम्यक चारित्र वितराग भाव का जन्म होता है। ऐसा मुनिराज को हार देते समय हमारे भाव होंगे तो निश्चित रूप में एक दिन हम भी भगवान पार्श्व की कक्षा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे।